हमारे देश की कहावत है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और इस कहावत को सही साबित कर रहे हैं सामने ये कपल जिन्होंने चाय का एक स्टार्टअप यहाँ पर स्टार्ट किया है। सबसे पहले देख लो भाई, रोड किनारे इन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया है। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैस्मिन है। आपका नाम क्या है? रोमेश। रोमेश, तो आपके नाम से ये आरजे मतलब मुझे लग रहा रखा गया है। अच्छा, हम लोग जैसे सब जॉब्स करते हैं तो जॉब करके भी देख लिया, अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अभी फिलहाल थोड़ा सा बजट कम है और ये सबसे अच्छी चीज लगी है जो हर इंसान पीता है। बताइए आप करती क्या है, सबसे पहले ये बताइए। मैं मॉडलिंग और एक्टिंग करती हूँ फिलहाल। अभी एक वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म आई दी एक्टर करके MX पे। ठीक है, और बाकी मैंने मॉडलिंग वगैरह की है, साथ ही साथ साइड बिजनेस हम लोग ये चला रहे हैं अपना, चाय का बिजनेस। तो मॉडलिंग आपने फिर क्यों स्किप किया? आपने स्किप नहीं किया, करती हूँ बट अभी फिलहाल नहीं कर रही क्योंकि थोड़ी रिक्वायरमेंट थोड़ी मिक्सअप आती है, लाइक जैसे क्लीन नहीं है प्रॉपर इंडस्ट्री। एक बात जानना चाहूँगा कि जब आपने ये बिजनेस करने की सोची तो आपके दिमाग में क्या आया, क्या कुछ परेशानियाँ, स्ट्रगल ऐसा कुछ? स्ट्रगल ऑफ कोर्स होते हैं, पैसों की टेंशन होती है, तो लोगों की थिंकिंग बहुत बेकार है। जब हमने स्टार्ट किया था मतलब ऐसे ही था कि कुछ खुद के ही मेंबर्स ने कहा था कि आप इतना छोटा क्यों कर रहे हो, ये है वो है करके। चाय वाले क्या होते हैं? बिल्कुल कोई कुछ नहीं होती उनकी पहचान, बट ऐसा नहीं है। आपका दिमाग होना चाहिए और आपका ट्रिक्स होनी चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। डेडिकेशन है बेसिकली। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि है हमें इतना टैलेंट कि हम लोग ग्रो, हम अपनी चीज़ को ब्रांड बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग पानी वाली चाय नहीं पिलाते, हम पिलाते दूध वाली चाय, अच्छी गाढ़ी और दूध में बनाते हो? हाँ, स्ट्रॉन्ग बनाते एकदम, जिससे बंदे की ऐसी नींद खुल जाए। अच्छा, और यहाँ पर देख रहा हूँ आपने काफी यूनिक नाम रखा हुआ है, चायबाज। तो चायबाज ही क्यों? क्योंकि डीट है ना। अच्छा, धोखेबाज, चालबाज सब डीट होते हैं। चाय बहुत अच्छा बनाती है इसलिए ये बाज है। ओके, बाज है। ये बताइए चाय के रेट वगैरह क्या रख रखे हैं आपने? चाय के रेट शुगर फ्री है, नॉर्मल जैसे होता है 5, 10, 12 है। बाकी शुगर वाली भी सेम है और गुड़ वाली रखी है। जैसे कोई फिटनेस फ्रीक भी है और चाय लवर भी है तो उसके लिए गुड़ वाली चाय रखी है हम लोगों ने। अच्छा, तो गुड़ वाली भी चाय है। रेट्स है 8 है, 12 है, 15 है। और सबसे सस्ती चाय? सबसे सस्ती चाय ये 7 रुपए वाली है, चीनी वाली। अच्छा, और इसी में गुड़ वाली है 8 रुपए। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ भैया पैसे दे रहे हैं, तो भैया यहाँ पर आप चाय पीते रहते हो? यस। कब से पी रहे हो? जब से स्टार्टअप किया उसी टाइम से पी रहा हूँ। अच्छा, और चाय कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छे बनाते हैं। कैसी? कड़क? बहुत कड़क, मतलब कड़क नॉर्मल बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। अच्छा, मजा आता है पीने में? बहुत। रोजी आते हो? मैं तो सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ। अरे वाह। तो यहाँ पर देखो भाई हमारी जो चाय है लगभग रेडी हो गई है, कड़क वाली है ना मैम? मजा आएगा ना इसे पीने से? आप पी के देखो फिर बताना, मतलब नींद पूरी खुलने वाली है पी के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी जो चाय है रेडी हो गई है एकदम कड़क वाली। भाई चाय तो एक नंबर है। एक बार टाइमिंग तो मैंने बता दिया, 7:30 बजे से मैं बोर्ड पे देख रहा हूँ, 7:30 बजे से आप आ जाते हो। और 7:30 बजे से कितने बजे तक रहते हो? 7:30 बजे से आपका 11:30 तक रहते हैं, अगर ऑर्डर आ जाते हैं और तो और देर तक जाते हैं। ठीक है, और शाम को भी आप? शाम को भी ऐसे होता है, 8:30 बजे तक रहते हैं। और एक बार लोकेशन और समझा दीजिए किसी को आना हो तो कहाँ पर आएगा ये? मजलिस पार्क। मजलिस है, आदर्श है? मजलिस पार्क है, आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन हल्का सा आगे जाके सामने पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो सामने मेट्रो पड़ेगा और ये मिनी अप्पू घर है, यहाँ का फेमस है। एक बार देख लो भाई यहाँ पर ये है मिनी अप्पू घर, इसके ठीक सामने इन्होंने अपना पूरा सेटअप लगा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं।